आज आपके लिए लाए हैं टीपीएस लर्निंग सामान्य ज्ञान, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची किस रूप में है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? बीबी जैला, रानी दीदा, गजरी देवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था बीबी जैला। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, पूर्णिया में हुआ था या मुंगेर में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितनी है? तो 12,700 या 12,756 या 11,752 या 13,700? तो इसका आंसर सोचिए। जी, इसका आंसर होगा, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है। 12,756 है। चलिए, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या इनमें से कोई नहीं? डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डीसीएम ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक के, रामानुज के, शंकराचार्य के या रामानंद के? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। इसके बाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन या दादा भाई नौरोजी? तो इसमें आपका आंसर होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन ने, देव वर्मन ने या कृष्ण वर्मन ने? तो आपका आंसर होगा, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में, रुड़की में, अजमेर में या दिल्ली में? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में, रुड़की में, दिल्ली में या अजमेर में? तो आपका आंसर हो जाएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1961 को या 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी को? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, रुड़की? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था या योजना आयोग कब गठित हुई थी, है ना? तो वर्ष 1948 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में या वर्ष 1952 में? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अमेज़न, कांगो, नील, टिग्रिस। तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। क्या नाम है? कांगो नदी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सरल लोलक का दोलन 3 सेकेंड है, ठीक है? यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दिया जाए तो इसका दोलन सेकेंड में कितना होगा? 3 सेकेंड हो जाएगा, 5 सेकेंड में दोलन होगा, 6 सेकेंड में होगा या 9 सेकेंड में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेकेंड, यानी डी आंसर। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, जो चश्मा लगाते हैं। तो एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? 25 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 35 सेंटीमीटर होगी या 40 सेंटीमीटर होगी? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी, जो कि 40 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर टेनिस से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, या हॉकी और सॉरी टेनिस और फुटबॉल से संबंधित है, यानी बी और सी दोनों। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात टेनिस और फुटबॉल दोनों से ट्राई ब्रेकर शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था या कुमार गुप्त था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सितारा देवी का नाम सुने होंगे। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं, किस विधा से संबंधित हैं? दरभंगा पेंटिंग विधा से, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हैं, शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं या लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है सितारा देवी। सितारा देवी संबंधित है मधुबनी पेंटिंग से। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 में, वर्ष 1926 में, वर्ष 1917 में या वर्ष 1920 ईस्वी में? पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 ईस्वी में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है या टेनिस से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है या टेनिस से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेनिस से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में या लंदन में? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया या लंदन? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से या स्वयं रेशम के कीड़े से?
आपका आंसर हो जाएगा रेशम उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से, यानी बी आंसर होगा। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इसकी राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ या पाटलिपुत्र? तो इसका आंसर था सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्ट्रिक एसिड, बटिग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी दूध के फटने पर एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है। संतरे किसका प्रबल स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स के, वसा के, प्रोटीन के या विटामिन के? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे हैं स्रोत विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। इसको याद रखने वाली बातें हैं, काफी आसान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड? क्या होगा? मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या इनमें से कोई नहीं? तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या इनमें कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक हैं? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंग वर्म या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें कि मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वो फाइलेरिया का वाहक है। अगला प्रश्न है, सम दाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? सम दाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? समान आर्द्रता वाले क्षेत्र को, समान तापमान वाले क्षेत्र को, समान वर्षा वाले क्षेत्र को या समान वायुमंडलीय दाब को? तो समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? धरवाड़ में, विंध्ययन में, गोंडवाना में या कड़प्पा में? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में कोयला जो है गोंडवाना भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है, अर्थात तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? भागीरथी एवं अलकनंदा को जोड़ता है, काली एवं धौली को जोड़ता है, कुल्लू एवं स्पीति को जोड़ता है, डोलम एवं रावी को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा कुल्लू एवं स्पीति का, आंसर हो जाएगा सी, जिसका नाम है कुल्लू एवं स्पीति को जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु को
सबसे अधिक प्रदूषित करता है? निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाइनरी कोड में 7 लिखी जाती है, 110 के रूप में, 111 के रूप में, 101 के रूप में या 100 के रूप में। बाइनरी कोड में 7 को लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 111 के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? 111 के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एंथोबिया। एंथोबिया जो डर है वो किसका डर है? अधिकारी का डर है, अग्नि का डर है, पुष्पों का डर है या कुत्तों का डर है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पुष्पों का डर। पुष्पों का डर को कहा जाता है एंथोफोबिया। कुत्तों के डर को कहा जाता है पुष्पों 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 के डर का कहा जाता है एंथोफोबिया। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषक से, बीज से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है या खाने का सोडा है क्या है? सोडियम कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो खाने का सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थेरेपी का, पॉलिटिकल फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का, ऑटोमिक फिजिक्स का? निम्नलिखित किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। फिर से याद कर लीजिए, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, मिठाइयाँ? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पनीर, यानी पनीर जो है वो ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व तो प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश की पुंज एक समान स्थान पर पड़ती है तब प्रकाश का रंग जो है वो
वो क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आंख या पेट? तो आपका आंसर हो जाएगा, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, यदि आप 60 वाट का एक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रति 5 घंटे प्रयोग करते हैं, तो 30 दिन में कुल कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? कुल कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? तो ए 12, 12 यूनिट, 9 यूनिट, 6 यूनिट या 3 यूनिट? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 यूनिट। कितना आंसर हो जाएगा? 9 यूनिट। नेक्स्ट, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या बनता है? एक ऑक्सीकारक बन जाता है, एक क्षारीय प्रकृति का बन जाता है, अम्लीय प्रकृति का बन जाता है या अपचायक बन जाता है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या बनता है? अम्लीय प्रकृति का बनता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। और इस तरह से अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? तो पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का संचय कहाँ होता है? यह एक आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्त जो है वो पित्ताशय में ही संचय होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का साम्राज्य के राजा राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे। किनके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, या बाबर के समकालीन थे, या बलबन के समकालीन थे? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा कि कृष्णदेव राय जो थे वे बाबर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। बाबर नामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बाबर नामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तुर्की में, फारसी में, उर्दू में, अरबी में? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर नामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? सकीनात ए औलिया, सिरुल असरार, अनवर ए सुहैल या रज़्मनामा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत का फारसी अनुवाद जो था वो रज्मनामा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
और अगला प्रश्न है, इन महिलाओं में कौन सी क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तोरू दत्त, रमाबाई, भीकाजी कामा या गंगाबाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैडम भीकाजी कामा, यानी क्रांतिकारी महिला के रूप में मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1927 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में या वर्ष 1930 में? साइमन कमीशन भारत आया था वर्ष 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1928 में। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, पूर्णिया में हुआ था या मुंगेर में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितनी है? तो 12,700 या 12,756 या 11,752 या 13,700? तो इसका आंसर सोचिए जी, इसका आंसर होगा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है, 12,756 है। चलिए, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या इनमें से कोई नहीं? DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो DCM ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? कबीर किनके शिष्य थे? गुरु नानक के, रामानुज के, शंकराचार्य के या रामानंद के? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन या दादा भाई नौरोजी? तो इसमें आपका आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन ने, देव वर्मन ने या कृष्ण वर्मन ने? तो आपका आंसर होगा अनंत वर्मन, अनंत वर्मन ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में, रुड़की में, अजमेर में या दिल्ली में? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में, रुड़की में, दिल्ली में या अजमेर में? तो आपका आंसर हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1961 को या 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी को? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, रुड़की। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, या योजना आयोग कब गठित हुई थी, है ना? तो वर्ष 1948 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, या वर्ष 1952 में? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? अमेज़न, कांगो, नील, टिग्रिस। तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। क्या नाम है? कांगो नदी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सरल लोलक का दोलन 3 सेकेंड है, ठीक है? यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दिया जाए तो इसका दोलन सेकेंड में कितना होगा? 3 सेकेंड हो जाएगा, 5 सेकेंड में दोलन होगा, 6 सेकेंड में होगा, या 9 सेकेंड में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेकेंड, यानी डी आंसर। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, जो चश्मा लगाते हैं। तो एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? 25 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 35 सेंटीमीटर होगी, या 40 सेंटीमीटर होगी? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी, जो कि 40 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्राई ब्रेकर, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर टेनिस से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, या हॉकी और सॉरी टेनिस और फुटबॉल से संबंधित है, यानी बी और सी दोनों। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात टेनिस और फुटबॉल दोनों से ट्राई ब्रेकर शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था, या कुमारगुप्त था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सितारा देवी, सितारा देवी का नाम सुने होंगे। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं, किस विधा से संबंधित हैं? दरभंगा पेंटिंग विधा से, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हैं, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, या लोक नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है सितारा देवी। सितारा देवी संबंधित है मधुबनी पेंटिंग से। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 में, वर्ष 1926 में, वर्ष 1917 में, या वर्ष 1920 ईस्वी में? पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी वर्ष 1916 ईस्वी में। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, या टेनिस से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, या टेनिस से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेनिस से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में, या लंदन में? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया या लंदन? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेशम किसके किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, या स्वयं रेशम के कीड़े से। आपका आंसर हो जाएगा रेशम उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से, यानी बी आंसर होगा। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इसकी राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ या पाटलिपुत्र? तो इसका आंसर था सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्ट्रिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी दूध के फटने पर एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है। संतरे किसका प्रबल स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स के, वसा के, प्रोटीन के या विटामिन के? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो संतरे हैं स्रोत विटामिन के, प्रबल स्रोत हैं। इसको याद रखने वाली बातें हैं, काफी आसान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड? क्या होगा? मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या इनमें से कोई नहीं? तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या इनमें कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक हैं? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंग वर्म या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें कि मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वो फाइलेरिया का वाहक है। अगला प्रश्न है, शम दाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? शम दाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? समान आर्द्रता वाले क्षेत्र को, समान तापमान वाले क्षेत्र को, समान वर्षा वाले क्षेत्र को या समान वायुमंडलीय दाब को? तो समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? धरवाड़ में, विंध्ययन में, गोंडवाना में या कडप्पा में? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में कोयला जो है गोंडवाना भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है, अर्थात तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है?
रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? भागीरथी एवं अलकनंदा को जोड़ता है, काली एवं धौली को जोड़ता है, कुल्लू एवं स्पीति को जोड़ता है, डोलम एवं रावी को जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा कुल्लू एवं स्पीति का आंसर हो जाएगा सी, जिसका नाम है कुल्लू एवं स्पीति को जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाइनरी कोड में 7 लिखी जाती है, 110 के रूप में, 111 के रूप में, 101 के रूप में या 100 के रूप में। बाइनरी कोड में 7 को लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 111 के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? 111 के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंथोबिया, एंथोबिया जो डर है वो किसका डर है? अधिकारी का डर है, अग्नि का डर है, पुष्पों का डर है या कुत्तों का डर है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पुष्पों का डर। पुष्पों का डर को कहा जाता है एंथोफोबिया, कुत्तों के डर को कहा जाता है पुष्पों, पुष्पों के डर का कहा जाता है एंथोफोबिया। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषक से, बीज से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है या खाने का सोडा है क्या है? सोडियम कार्बोहाइड्रेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो खाने का सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थेरेपी का, पॉलिटिकल फिजिक्स का, क्वांटम मैकेनिक्स का, ऑटोमिक फिजिक्स का? निम्नलिखित किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, फिर से याद कर लीजिए, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है?
निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, मिठाइयाँ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पनीर, यानी पनीर जो है वो ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश की पुंज एक समान स्थान पर पड़ती है, तब प्रकाश का रंग जो है वो क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आंख या पेट? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, यदि आप 60 वाट का एक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रति 5 घंटे प्रयोग करते हैं, तो 30 दिन में कुल कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? कुल कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? तो ए 12, 12 यूनिट, 9 यूनिट, 6 यूनिट या 3 यूनिट? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 यूनिट। कितना आंसर हो जाएगा? 9 यूनिट। नेक्स्ट, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या बनता है? एक ऑक्सीकारक बन जाता है, एक क्षारीय प्रकृति का बन जाता है, अम्लीय प्रकृति का बन जाता है या अपचायक बन जाता है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या बनता है? अम्लीय प्रकृति का बनता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। और इस तरह से अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? तो पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का संचय कहाँ होता है? यह एक आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्त जो है वो पित्ताशय में ही संचय होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजा राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे। किनके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, या बाबर के समकालीन थे, या बलबन के समकालीन थे? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा कि कृष्णदेव राय जो थे वे बाबर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। बाबर नामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बाबर नामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तुर्की में, फारसी में, उर्दू में, अरबी में? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर नामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा?
तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? सकीनात ए औलिया, सिरुल असरार, अनवर ए सुहैल या रज़नामा। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत का फारसी अनुवाद जो था वो रज़नामा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, इन महिलाओं में कौन सी क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तोरुदत्त, रमाबाई, भीकाजी कामा या गंगाबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैडम भीकाजी कामा, यानी क्रांतिकारी महिला के रूप में मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1927 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में या वर्ष 1930 में। साइमन कमीशन भारत आया था वर्ष 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1928 में।